हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। हेलो हेलो, तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर होटल जो कि इस हमने बुक नहीं कराया है। लेट्स सी क्या होता है। हमारे साथ हैं सर, आपका नाम क्या? इश्फाक। इश्फाक, ये आज हमारे के आज हमारे ड्राइवर हैं। ये प्रीपेड टैक्सी है जो कि आप ले सकते हो फ्रॉम दी एयरपोर्ट, ठीक है। उनके कोई चार्जेस फिक्स रहते हैं। हमने वहाँ बताया कि हमने इस होटल जाना है पर्टिकुलर, बिकॉज मैंने सर्च कर रखी थी ऑलरेडी गूगल पे कि कौन सा होटल है, वहाँ पे मैंने पूछ रखा है प्राइसेज एंड ऑल, बट स्टिल मैंने वहाँ पे नोट कराया कि मैंने वहाँ जाना है होटल में। हम फिर पूछेंगे इश्फाक, एक कोई अच्छा होटल हो जहाँ पे डल लेक का व्यू अच्छा है, हमें वो भी दिखाएंगे। ये अभी डल लेक पर ही है ना, ये कम्फर्ट इन डल लेक पर ही है। हाँ, कम्फर्ट इन डल लेक पे, डल लेक पे ही है। पर अगर इससे अच्छा होटल हो, बढ़िया भी होटल है, पर हमें बहुत ज्यादा खर्चना भी नहीं है। मैं तो ये होता है कि कम पैसों में सबसे ज्यादा आराम, कि हमेशा से यही रहा है। हाँ, वहाँ 3500 बोला उन्होंने, तो वहाँ पे मैंने जो बात की थी वहाँ 3500 बोला उन्होंने फॉर वन नाइट फॉर 3 adults। एक हमारा छोटा बेबी भी है जो भी दिख नहीं रहा वीडियो में, कहाँ है, कहाँ है? हेलो हेलो, कहाँ हो बेबी तुम? हाँ, मम्मा के पास हो? कैसे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? तो आप आज इश्फाक जी बताएंगे हमें हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं श्रीनगर में। एक्चुअली हमारे पास 2 दिन है जो हमने पूरे शॉर्ट रूट से बनाया पूरा टूर। आज लोकल घूमेंगे यहाँ, कल शॉर्ट में गुलमर्ग जाओगे। अच्छा, लोकल साइट सीइंग करें। गुलमर्ग हो सकता है एक दिन में, आज लोकल हो सकता है। बस सुबह हम गुलमर्ग के लिए जाएं, शाम तक वापस। पहलगाम भी जा सकते हो, शाम तक वापस आ सकते हो। ओके, जो वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं वो भी कर सकते हैं। चलो, ये तो कह रहे हैं कि हम वहाँ जा सकते हैं, पर आई एम स्टिल स्केयर्ड। बच्चे के साथ मैं बिल्कुल ज़्यादा स्केयर्ड हूँ कि स्नो एक्टिविटीज़ में कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या है, अभी हमें कुछ नहीं पता क्या होगा आगे, क्या नहीं होने वाला नेक्स्ट। अच्छा ही होगा। चलो, अच्छा ही कह रहे हैं, अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होने वाला है हमारे साथ। और एक आपको आपके हाथ पे एक स्टैंप लगेगी। स्टैंप आपको दिख रही है, ये गेट पास है आपका। और जैसे आई वाज नॉट वैक्सीनेटेड, नीदर माय सन वाज वैक्सीनेटेड, तो हमारा एक रैपिड एंटीजन, हाँ बच्चों का तो है ही नहीं, वैक्सीन है नहीं अभी। सो वी हैड आवर कोविड टेस्ट डन, रैपिड एंटीजन टेस्ट वाज डन एट द एयरपोर्ट ओनली। जिसकी एक डोज भी वैक्सीन की लगी है उसका भी रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। एंड और हमारे ये गेट पास ये सैंपल्ड लिखा गया है, स्टैंप सैंपल्ड की है। अब अगर कोई भी कुछ भी आता है पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कुछ नहीं, गर्ग है तो दे सेड कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? और रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे कि क्या क्या गए, ये बताओ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली जब वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पे लैंड किए तो वहाँ पे देयर वाज अ ह्यूज लाइन, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की थी फॉर कोविड टेस्टिंग। पहले सबका डिटेल्स, जिनके नाम, एज, कौन सी फ्लाइट से आए थे, कौन सी जगह से आए थे, कहाँ जाना है, ये सब कुछ नोट करेंगे वो। जिनके पास फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट है, 2 doses लगी होंगी, दे हैव द सर्टिफिकेट, तो वो दिखाइए, तो उनका कोविड टेस्ट नहीं होगा। जिनके पास एक भी वैक्सीन डोज लगी है या कोई वैक्सीन डोज नहीं लगी, उनका कोविड टेस्टिंग होगा ही होगा, रैपिड टेस्टिंग होगा। और स्पेशली मेरा छोटा बच्चा भी था तो उसका भी उन्होंने टेस्टिंग के लिए बोला,
बट देवर पोलाइट इनफ कि उन्होंने चलो इतना एग्रेसिव नहीं किया, जस्ट उन्होंने इधर प्रॉपर वे से चलो, इतना वो पेन तो नहीं देनी थी बच्चे को, डेफिनेटली बच्चा इरिटेबल भी था, बट स्टिल उन्होंने नेगोशिएट किया हमारे साथ, उन्होंने कॉपरेट किया, ठीक है। चलो होपफुली वी ऑल वाज नेगेटिव, हमने फिर डेफिनेटली हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, वी गॉट स्टैम्प्ड आउट, हमें तो लगी हुई है स्टैम्प दिस मंथ, ठीक है। तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स दी होटल, ठीक है, डेल गेट है, ठीक है, डल गेट, ये डल गेट, ये डल, इसके बाद आएगा डल लेक, ये डल गेट है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम डल गेट की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो इसके बाद आएगा डल लेक, द फेमस जो स्पॉट है श्रीनगर का, जहाँ पे शिकारा राइड, हाउस बोट्स एंड ऑल दी होटल्स अराउंड द डल लेक, डल लेक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओके चलो लेट्स हैव इट। फ्रेंड्स एक और बात मैं करना चाहूँगा रिगार्डिंग दी कनेक्टिविटी, कईयों को होगा कि हमारा शायद प्रीपेड सिम चल जाए J&K में कोई और स्टेट का, बट ये दिमाग से निकाल दीजिए, कोई सिम नहीं चलेगा आपका J&K में अगर आउटसाइड J&K है। J&K में ओनली पोस्टपेड सिम्स अगर बाकी स्टेट का है, या J&K का प्रीपेड एंड पोस्टपेड, वो तो ऑब्वियसली चलेगा ही चलेगा J&K में। और सिम लेने के लिए यू नीड वोटर कार्ड, वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड या वैलिड नहीं है फॉर सिम कार्ड, और पासपोर्ट और भी वोटर कार्ड, तो वही चाहिए हमें सिम कार्ड लेने के लिए। लेट्स होप वी गेट अ सिम कार्ड देयर, हमें पोस्ट पेड सिम कार्ड ही मिलेगा, होपफुली वी गेट दी सिम कार्ड एंड कनेक्टेड टू आवर फैमिली। तो ये डल लेक है, डल लेक ये जस्ट अभी शुरू ही हुई है, आगे जाके 34 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे सारी हाउस बोट्स हैं, यू कैन सी, और यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे सारे होटल्स ही होटल्स हैं। तो जितना ही आप आगे चले जाओगे उतना ही डल लेक उतना ही ब्रॉड होता जाएगा, वाइडन। मैंने थी क्या किया? और यहाँ पे हमारे पंडित सर क्या कर रहे हैं? शूज उतार दिए हैं इसने। शूज उतार रहे हैं सर। हम अपने होटल पहुंच चुके हैं।